नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉक देख रहे हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद और तनाव बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तनातनी की खबरें हैं। दोनों ओर के सैनिकों ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ भारतीय सैनिकों को चीन ने हिरासत में ले लिया था, हालांकि सेना ने इसका खंडन किया है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि पिछले सप्ताह भारतीय गश्ती दल को चीनी सैनिकों ने डिटेन किया था। हालांकि यह डिटेंशन थोड़ी देर के लिए ही था, फिर भारतीय सैनिकों को जाने दिया गया, उनके हथियार भी वापस कर दिए गए। NDTV ने भी भारतीय सैनिकों को डिटेन किए जाने की खबर दी है। इसमें एक सीनियर नौकर साहब के हवाले से लिखा है कि पिछले बुधवार यानी 13 मई को हालात काफी विस्फोटक हो गए थे। भारत और चीन के सैनिक भिड़ गए थे। इसके बाद कुछ भारतीय जवानों को हिरासत में लिया गया था, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। भारतीय सेना ने इन खबरों का खंडन किया है। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने समाचार एजेंसी NI से कहा कि चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों को डिटेन नहीं किया गया। इस तरह की खबरों को पूरी तरह खारिज करते हैं। जब मीडिया संस्थान अप्रमाणित खबरें छापते हैं तो इससे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता है। पिछले कुछ दिनों में सिक्किम और लद्दाख में भारत चीन सेना के आमने सामने होने की खबरें आईं। लद्दाख में पेंगोंग झील और गैलवान नदी के पास लगातार चीनी सैनिकों की मौजूदगी दर्ज की गई है। इंडिया टुडे के अभिषेक भल्ला की रिपोर्ट के अनुसार भारत लद्दाख में एक सड़क बना रहा है। चीन इसका विरोध कर रहा है, इसी के चलते गतिरोध बढ़ा है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि यह सड़क भारतीय इलाके में है। इसी को लेकर सबसे पहले इस महीने के शुरू में दोनों ओर के सैनिक भिड़ गए थे। इसके बाद सिक्किम के नाकुला में भी हाथापाई हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार 5 और 6 मई की रात को दोनों देशों के सैनिकों में पेंगोंग झील के पास टकराव हो गया था। इसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए थे। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि भारतीय सीमा में 3 जगहों पर चीनी घुसपैठ दर्ज की गई। तीनों जगह चीन के 800 से 1000 सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल हो गए। चीन ने यहां पर तंबू लगा लिए, साथ ही बड़ी गाड़ियों और निगरानी का सामान भी इकट्ठा कर रखा है। LAC के पास चीन के हेलीकॉप्टर देखे जाने की बात भी सामने आई है। रिपोर्ट में सूत्रों के अनुसार लिखा है कि इस इलाके में चीनी सैनिकों की संख्या के बराबर ही भारतीय सैनिक भी तैनात किए गए हैं। भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच 300 से 500 मीटर की दूरी है। खबर के अनुसार अभी तक दोनों देशों के लोकल मिलिट्री कमांडर 5 बार मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। वहीं द हिंदू ने लिखा है कि पेंगोंग गैलवान नदी और डेमचोक के पास हालात तनावपूर्ण हैं। भारत लद्दाख के साथ ही सिक्किम में भी सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाई जा रही है। सूत्रों के हवाले से द हिंदू ने लिखा है कि जिन जगहों पर चीनी सैनिक रुके हैं वह सामरिक रूप से काफी अहम है। ये इलाका 255 किलोमीटर लंबी दारबुक थ्योक दौलतबाग ओल्डी सड़क के पास ही पड़ते हैं। भारतीय सेना के लिए यह रोड काफी अहम है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि LAC के पास भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के चलते चीन ने घुसपैठ बढ़ाई है। सेना के हलकों में भी इस तरह की चर्चा है। द हिंदू ने चीनी घुसपैठ की बढ़ती संख्या पर इस इलाके में तैनात रहे एक अफसर से बात की है। उन्होंने बताया कि बहुत जगहों पर सैनिकों के बीच झड़प देखने को मिल रही है। यह चीनी सेना की सोची समझी योजना लग रही है। यह बड़ी चिंता की बात है। सेना की उत्तरी कमांड के पूर्व अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर द हिंदू को बताया, आमतौर पर लोकल एरिया में ही गतिरोध होता है। ऐसे गतिरोध लोकल लेवल पर भी दूर कर लिए जाते हैं, लेकिन अभी के हालात बताते हैं कि इसकी योजना चीन में ऊपर के लेवल पर तैयार हुई है। इसका निपटारा कूटनीतिक स्तर पर ही किया जा सकता है। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।